रिटेल और होलसेल कारोबार अब एमएसएमई के दायरे में शामिल, पीएम मोदी ने इस फैसले को बताया ऐतिहासिक। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे इंदौर, तीसरी लहर को रोकने की तैयारियों का ले रहे हैं जायजा। मध्य प्रदेश में 5 दिन बाद सक्रिय होगा मानसून, किसान फसलों को लेकर काफी चिंतित। ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को फिर भेजा समन, मनी लॉन्ड्रिंग केस में 5 जुलाई को होगी पेशी। मेहुल चौकसी और नीरव मोदी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बारीकी से निगरानी, विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और बात प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री की। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सज्जन सिंह वर्मा पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुकदमा दर्ज करवाया था और इसी के विरोध में कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, साथ ही कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि जल्द से जल्द इस मुकदमे को खारिज किया जाए। मध्यप्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस के नेता पूर्व मंत्री आदरणीय विधायक सज्जन सिंह वर्मा जी, जब नेमावर में एक जंगली हत्याकांड हुआ था उसके सिलसिले में हम नेमावर जा रहे थे, तब रास्ते में बुखली पड़ता है जो कि शिवराज सिंह चौहान का विधानसभा क्षेत्र आता है, वहाँ एक पुल लगभग 6 महीने से बना हुआ था। आम जनता को आगमन में बहुत तकलीफ और परेशानी हो रही थी, वहाँ की जनता ने सज्जन सिंह वर्मा जी को रोका और सज्जन सिंह वर्मा जी ने वो पुल में आगमन शुरू करवा दिया, जनता को आने जाने की सुविधा हो गई, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को 6 महीने से समय नहीं था उस पुल का उद्घाटन करने का। क्या आम जनता के कार्य में करने में और उसको पुल को आगमन शुरुआत कराने में ही मुकदमा लगा दिया जाता है? ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शहनवाज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शहनवाज, क्या ये मामला है, क्यों कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, किसको लेकर? शिवम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंदौर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सज्जन सिंह वर्मा पर अभी पिछले कुछ दिनों पूर्व बीजेपी की सरकार ने एक मुकदमा दर्ज किया, जिसके विरोध में आज कांग्रेस के वरिष्ठ जनों ने काफी प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिए और आगे बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। वहीं भोपाल में कांग्रेस महासचिव रवि सक्सेना ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पलटवार किया है। महासचिव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को तो सीबीआई पर पूरा भरोसा है। नरोत्तम मिश्रा, याद करें कि जब आपकी पार्टी के नेता इनके शिकंजे में फंसते थे तब आपकी पार्टी ही ने पिंजरे में बंद तोता कहा करती थी। आप खुद ही सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। नरोत्तम मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी को तो सीबीआई पर पूरा भरोसा है। आप याद कीजिए, आप ही कहा करते थे कि सीबीआई तो पिंजरे में बंद तोता है और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया करते थे जब आपकी पार्टी के लोग उसके घेरे में आया करते थे। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ट्विटर के माध्यम से ट्वीट कर रही है, आपने तो ट्विटर पर भी शिकंजा कसा हुआ है क्योंकि उसने आपके नेताओं को झूठा साबित कर दिया है। तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी के नेता फील्ड में नहीं जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता इस प्रदेश की जनता की हर। वही भोपाल में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एक बयान दिया है। इस बयान में उन्होंने डॉक्टर की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सभी ने बहुत मदद की है, चाहे वो सीनियर डॉक्टर हों या फिर जूनियर डॉक्टर, इसलिए उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं। वहीं भूपेंद्र सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। आइए सुनते हैं भूपेंद्र सिंह ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा है। देखिए, सरकार ने एक तबादला नीति बनाई है, उसकी गाइडलाइन बनाई है, उस गाइडलाइन के आधार पर ट्रांसफर होंगे और गाइडलाइन। वहीं गुना के बमोरी में जिले का पहला ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और भाजपा जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान सिसोदिया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बमोरी विधानसभा में विकास की कोई कमी नहीं आने देंगे। वहीं दूसरी ओर भाजपा जिलाध्यक्ष सिकरवार ने कहा कि बमोरी विधानसभा में विकास ही विकास होगा। इस मौके पर तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे।
वहीं राजधानी भोपाल में लगातार दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वहीं एक बार फिर एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां एक महिला ने आरोप लगाया कि उसके जान पहचान के युवक ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। महिला ने इस मामले की शिकायत पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साथ ही मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। रतलाम में एक पुलिस अधिकारी की सड़क हादसे में मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार को लेकर काफी विवाद हो गया। विवाद मृतक की पत्नी और मृतक के भाई के बीच हुआ। दोनों शव को लेने के लिए अड़े रहे। दरअसल बरखेड़ा पुलिस थाने में पदस्थ एक सहायक उप निरीक्षक गोवर्धन सोलंकी की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। वहीं शव को लेने के लिए दो अलग अलग दावेदार खड़े हो गए। पहली दावेदार मृतक गोवर्धन की पहली पत्नी थी और दूसरा मृतक का भाई था। इस मामले में पुलिस का कहना है कि पत्नी से तलाक का मामला चलने के कारण शव मृतक के भाई को दिया जाएगा। अगर पत्नी चाहती है तो वो ससुराल में जाकर अंतिम संस्कार में शामिल हो सकती है। काफी समझाइश के बाद यह तय हुआ कि मृतक के अंतिम संस्कार में मृतक की पत्नी बेटी समेत उसके अन्य परिजन भी शामिल होंगे। 22 साल से मैं जिसकी पत्नी हूँ, 3 बच्चियां हैं मेरी, 20 साल की एक बेटी है, 14 साल की एक बेटी है, 13 साल की एक बेटी है, और मुझे कहा जा रहा है कि मैं पत्नी नहीं हूँ जो साल भर से औरत रह रही है। टीआई साहब बता रहे हैं कि 8 साल की बेटी है उसके, आप कहाँ गए थे? तो 8 साल से नहीं, 2012 से मैंने केस लगाया था कि इस आदमी ने दूसरी शादी कर ली है और ये मुझे नंगा कर करके मारता है, मुझे प्रताड़ित कर रहा है। मैं पूरे स्टाफ में रोती रही, मेरा किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने नहीं बताया कि उसकी एक और पत्नी है। ये लोग उसको छुपाते रहे और आज ये टीआई साहब खुद बोल रहे हैं कि उसकी एक और पत्नी थी। तो आपका वही गुना राजस्व विभाग में आए दिन जमीनों के रकबों को अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत के तहत इधर से उधर करने के मामले सामने आते रहे हैं, जिनमें राजस्व महकमे की संदिग्ध कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान भी लगते रहे। ऐसा ही एक राजस्व विभाग का अजीब और गरीब मामला ग्राम मुहालपुर कॉलोनी से सामने आया, जहां पीड़ित लोगों ने पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और SDM को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने ज्ञापन के जरिए शासन प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन और आत्महत्या के लिए मजबूर होंगे। दरअसल कॉलोनी में 40 बीघा तहसील के शासकीय रकबे में सभी अहिरवार समाज के गरीब व मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं। सभी लोग 40 वर्ष से यहाँ पर निवास कर रहे हैं, जिन्हें आवास के लिए प्लॉटों का आवंटन किया गया था, लेकिन कुछ दबंगों ने साठ गांठ कर जमीन अपने नाम करवा ली है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जालिम फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जालिम, क्या ये प्रकरण है, क्या ये मामला है पूरा? दरअसल मामला ये है कि सर, ये मोहालपुर ग्राम कॉलोनी में है, 40 बीघा की तहसील में शासकीय रकबा में सभी अहिरवार समाज के गरीब मजदूर वर्ग लोग रहते हैं। उक्त सभी लोग 40 वर्ष से पूर्व कब्जाधारी होकर अपना मकान निवास रत कर रहे हैं। इन लोगों को सन 1988 में इंदिरा आवास योजना की कुटिल सरकारी योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा दी गई थी, जो कि सर्वे क्रमांक 183 में बनी हुई है, जिनके पंचायत द्वारा अधिकार पत्र के द्वारा आवास हेतु प्लाटों का आवंटन किया गया था। तभी इन कुटीरों में रहकर सभी लोग किसी तरह से मेहनत मजदूरी करे रहे हैं। सरकार द्वारा लाइट भी लगवा दी गई, हेडपंप भी लगवा दिए गए और कॉलोनी में सीधी सड़क भी के द्वारा लोगों को सहूलियत के लिए डलवा दी गई। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालय भी बनवा दिए और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी सभी लोगों को मकान कर दिए। इस तरह 4 दशक से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ये भूदान यज्ञ मध्य भारत के नियम के उपरोक्त भूमि पर भूदान यज्ञ परिषद मध्य भारत के ओर से वितरण गिरेता भूदान कृषक के स्वनिर्मित संबंधों में प्रतिबंधों के अधीन प्रदान किए गए, जो कि इस प्रकार भूमि पर स्वयं कास्त करेगा वह भूमि के किसी हित का अंतरण नहीं करेगा। दूसरी ओर किसी को ठेके तरह के भू एवं पट्टे पर नहीं उठावेगा, वह भूमि को 2 वर्ष से अधिक के लिए पड़त नहीं रहने देगा। ये सब चीजें होने के बाद भी आज डाउन। बहुत शुक्रिया जालिम जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। वह इंदौर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस 2 शातिर चैन स्नैचरों को गिरफ्तार कर चुकी है। दरअसल पलासिया थाना क्षेत्र में चैन स्नैचिंग की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपियों को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई और वारदात वाली जगह के CCTV फुटेज खंगाले। वहीं फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 सोने की चेन और बाइक भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके मामले की जाँच पड़ताल भी शुरू कर दी है। थाना प्लासिया क्षेत्र में
चेन स्नेचर्स पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है थाना प्लासिया टीम को, जिसमें क्राइम ब्रांच की टीम का भी सहयोग लिया गया है। विगत 2-3 महीने से वारदात हुई है, जिसमें कि अप्रैल माह में भी एक चेन स्नेचिंग हुई थी, और साथ ही अभी 28 जून को इन्वेस्टिगेशन दौरान ये स्पष्ट हुआ कि ये वाहन है चोरी का, जिसको चंदन नगर से चोरी हुआ था, और उसी को हमने लीड लेकर आगे सीसी फुटेज के माध्यम से बढ़े और पुराने संदिग्धों की जांच पड़ताल में पता चला कि मोहसिन और वही भोपाल के थाना अयोध्या नगर क्षेत्र में 3 दिन पुराना महिला का शव बरामद हुआ था। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही आरोपी ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। आरोपी का कहना है कि उसका 10 साल पहले प्रेम विवाह हुआ था, लेकिन लगातार दोनों के बीच किसी न किसी बात को लेकर विवाद हुआ करता था, जिसके चलते आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। ये अभी कुछ 5-6 दिन पहले का मामला है, जिसमें एक महिला जो है बाथरूम के अंदर मिली थी। बाथरूम का दरवाज़ा लॉक था, जो रूम जिसके अंदर बाथरूम था वो लॉक था, रूम बाहर से भी लॉक था। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद किसी घर के जानने पहचानने वाले ने, जिसके पास घर की चाबियां हैं, उसी ने किया होगा। और उसके तुरंत बाद से उसके जो पति है वो फरार भी चल रहा था। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि समझ में आया कि वही सतना के अमरपाटन तहसील क्षेत्र में लगातार अवैध खनन का काम जारी है। लगातार इस मामले की जानकारी भी SDM तहसीलदार को दी गई, लेकिन इसके बावजूद इस मामले की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि इस समय छायन रोड में आवागमन चालू है, जिस रोड में 8 टन से ज़्यादा माल ले जाने की अनुमति नहीं है, वहाँ पर 40-40 टनों के ट्रॉले चलाए जाते हैं, जिससे सड़कों को भी काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद इशालुद्दीन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इशालुद्दीन, क्या ये मामला है? बताया जा रहा है कि यहाँ पर ओवरलोडिंग की जा रही है। जी हाँ, हम बता दें कि ये सतना जिला के ताला तहसील ग्राम अमझर का मामला है, जहाँ पर अवैध खनन जारी है। आपको बता दें कि इसमें SDM को भी सूचना दी गई और तहसीलदार और बड़वारी ताला को भी इस बात की जानकारी है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी तरीके से अवैध खनन रोकी नहीं जा रही है। जिसमें हम बता दें कि उसमें काम करने वाले जो भी डंपर और JCB वगैरह जो भी मशीनरी उत्पाद लगे हुए हैं, वो संजय महेश्वरी सतना के हैं। तो उनका दबदबा इतना तय दिया जाए कि उनका दबदबा इतना है कि उच्च अधिकारी काम करने से असमर्थ हैं, या फिर उनका सहयोग इतना है उच्च अधिकारियों को कि जिसकी वजह से वो कार्रवाई करने से वंचित हैं। साथ ही एक जानकारी ये भी बता दूं कि जो अमझर ग्राम पंचायत है वो ताला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ताला थाना क्षेत्र के बहुत ही नजदीक है। उसके बावजूद भी वहाँ थाना प्रभारी और पुलिस प्रशासन किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा। इससे यह बात साबित होती है कि कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों का दबाव ताला थाना प्रभारियों के ऊपर है, ताला थाना प्रभारी के ऊपर है, जिसकी वजह से वो कार्रवाई करने से असमर्थ हैं। अभी तक क्या उन लोगों को चिन्हित किया गया है जो वाकई में अवैध खनन कर रहे हैं और जो माल की ओवरलोडिंग कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आपको जानकारी ये भी बता दें कि ओवरलोडिंग की जानकारी जैसे ही SDM को भी दी गई, तहसीलदार को भी दी गई, लेकिन किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। साथ ही ग्रामीण भी परेशान है, वहाँ की जो रोड है वो 8 टन माल ढोने वाली रोड है, जहाँ पे 40-40 टन के हाईवे और ट्रक बड़े बड़े चल रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। लेकिन किसी भी तरीके की शासन प्रशासन की सुविधा न ग्रामीणों को मिल पा रही है और न ही अवैध खनन पर किसी भी तरीके की रोक लग पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए शालुद्दीन। वही राजधानी भोपाल के हबीबगंज थाना क्षेत्र में जयप्रकाश चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर हजारीलाल भूरिया ने अस्पताल कैंपस स्थित अपने आवास में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि मृतक डॉक्टर में ब्लड बैंक ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। वहीं डॉक्टर भूरिया अगले साल सेवानिवृत्त होने वाले थे। हालांकि पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी हुई है, अभी तक घटना के कारण स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाए। थाना हबीबगंज क्षेत्र में मामला सामने आया है, जिसमें JP अस्पताल में एक डॉक्टर है जो पदस्थ थे, वहाँ रेड क्रॉस में ब्लड बैंक में
उन्होंने अपने सरकारी आवास में फांसी लगाकर आत्महत्या की है। अभी पुलिस इसकी जांच पड़ताल में जुटी हुई है और क्या कारण है ये सामने नहीं आए। मैं भोपाल के रातिबर थाना क्षेत्र में कुछ युवकों ने एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 9 महीने तक छात्रा के साथ दुष्कर्म किया और आरोपियों ने पीड़िता को बदनाम और जान से मारने की धमकी देकर डराया भी। वहीं इस मामले का खुलासा पीड़िता के गर्भवती होने पर चला। सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है, साथ ही आगे की कार्यवाही भी पुलिस शुरू कर चुकी है। ये थाना रातिबड़ क्षेत्र में ग्राम सर्वर का मामला है जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ में बलात्कार की घटना सामने आई है। इसमें जो घटना है वो अलग अलग समय पर कारित हुई है, इसमें हमने 2 FIR दर्ज करी है। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।